Welcome to Pharmacy Tricks. Today we will study new drug discovery development. What do you understand by discovery and development? जब भी कोई medicine आपकी market में आती है, तो उसे पहले discover किया जाता है, develop किया जाता है, उसके बाद वो market में आती है. तो हमारा जो aim है, इसके क्या-क्या aim है, ये हम देख लेते हैं. पहला aim है हमारा develop clinically efficacious and safer drugs. पहला aim, कोई भी market में drug आती है, उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये तो effective होनी चाहिए. जिस भी disease के regarding हमने उसे discover किया है, वो effective होनी चाहिए. Second क्या है, वो safer होनी चाहिए. अगर वो सेफ नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो उसे बनाने का कोई फायदा नहीं है. सेकंड है हमारा, इकोनॉमिकली वायबल होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन सिर्फ रिच पीपल ही ले सकें, ऐसी होनी चाहिए वो जो आम जनता के भी काम आ सके. थर्ड है हमारा, डिस्कवर एंटायरली न्यू क्लास ऑफ द ड्रग. पूरी तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो हमारा नया क्लास का होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं डिस्कवर न्यूअर क्लिनिकल यूज ऑफ ओल्डर ड्रग्स. ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो हमारी ओल्डर ड्रग्स हैं उनके न्यूअर क्लिनिकल यूजेस भी हम इन्वेंट कर सकते हैं. सपोज कोई मेडिसिन हमारी फीवर के लिए यूज हो रही है, हो सकता है वो मेडिसिन हमें आगे जाके ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी आप उसे डिस्कवर कर सकते हैं. तो ये इसका जो पहले वो फीवर के लिए थी और अब वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हो गई, तो दिस इज नोन एज न्यूअर क्लिनिकल यूजेस. इसे वो जो यूज है वो न्यू हो गया, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं न्यूअर क्लिनिकल यूजेस. और फोर्थ है हमारा, एक्सप्लोर द मैकेनिज्म फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. और जो हमारी मेडिसिन की मैकेनिज्म है या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, उसको एक्सप्लोर करें, मतलब उसको बढ़ाएं. क्या 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 कॉस्ट आती है, क्या कितना टाइम लगता है एक मेडिसिन को लॉन्च होने में, एक ड्रग मॉलिक्यूल को लॉन्च होने में, तो अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट इज इन रेंज ऑफ US$350 million टू US$1 billion. ये हमारा टोटल 400 to 600 करोड़ के करीब इसकी कॉस्ट लगती है एक ड्रग को मार्केट में लाने के लिए. अप्रोक्सीमेटली 10,000 केमिकल टेस्टेड वन वुड बिकम ड्रग. अप्रोक्सीमेट 10,000 केमिकल टेस्टेड किए जाते हैं, आप देख सकते हैं, और उसके बाद केवल एक मॉलिक्यूल जाके हमारा ड्रग के रूप में चेंज होता है. उसके बाद इट टेक्स नियरली 8 to 14 years फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस. आप जो एक सिंपल सी टैबलेट खा रहे हैं, इंजेक्शन देख रहे हैं, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, वॉट एवर कोई भी ड्रग या मेडिसिन है, उसको मार्केट में लाने के लिए अप्रोक्सीमेट 8 to 15 years लगते हैं. तो ये है आपका पूरा न्यू ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट और उसके एम. आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले डिस्कवर, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवरी. डिस्कवरी का मतलब है कि सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल को डिस्कवर करेंगे आप, थ्योरेटिकली आप डिस्कवर करेंगे. आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ के कुछ ना कुछ, और जो आपकी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉलिक्यूल को सर्च करना है. मतलब ये आपका पूरा रिव्यू चल रहा है, लिटरेचर चल रही है, कि आपको पूरा उसमें स्टडी करना है कि इस मॉलिक्यूल्स की क्या क्वालिटी है. प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन करेंगे, और उसके बाद में हम प्रोडक्ट के करेक्टर्स देखेंगे. जो हमने सिलेक्ट किया है उसके करेक्टर क्या है, उसकी करेक्टराइजेशन करने के बाद अगर वो हमारी डिजीज के लिए सुटेबल है, तब हम उसके लिए फॉर्मुलेशन करेंगे. उसकी एक फॉर्मुलेशन में उसको कन्वर्ट कर देंगे. डिलीवरी देखेंगे, किस किस हम रूट ऑफ डिलीवरी से हम उसको दे सकते हैं. पैकेजिंग और डेवलपमेंट फाइनली उसका कर देंगे, फाइनली पैक करके डेवलप कर देंगे. नेक्स्ट हम उसके देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक एंड ड्रग डिस्पोजिशन. फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हो गया आपका ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें हम मेजर करेंगे, और ड्रग का डिस्पोजिशन भी हम इसमें मेजर करेंगे. नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इसमें प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड IND एप्लीकेशन. प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है कि आपकी प्री क्लिनिकल का मतलब जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी है और आपके एनिमल्स के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या होंगे उसके, तो ये पूरा प्री क्लिनिकल स्टडी आपकी होगी जो आपके एनिमल्स के ऊपर है. इसी को हम प्री क्लिनिकली बेसिकली बोलते हैं, और उसमें सारी टेस्टिंग आपकी आ जाती है. इसके बाद अगर ये सारी चीजें
आपकी आपको लगता है कि आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग आपका मॉलिक्यूल सही है, परफेक्ट है, तब आप इसे IND एप्लीकेशन देंगे। क्या मतलब? इन्वेस्टिगेटिव न्यू ड्रग एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे, मीन्स कि हम अब एक नई ड्रग को अप्लाई नई ड्रग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आपका जो ये पूरा चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेटिव न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बाद में आपको क्लिनिकल ट्रायल के लिए, फिर नेक्स्ट उसमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो इसके साथ साथ आपकी प्री क्लिनिकल स्टडीज भी चलती रहती हैं, कंटिन्यू मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपका एनिमल के ऊपर भी स्टडी चलती रहती हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल है और प्री क्लिनिकल स्टडीज है, इसकी अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ठीक रहती हैं, क्लिनिकल ट्रायल में हमारी 3 फेजेस होती हैं, ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्री क्लिनिकल स्टडीज अगर हमारी अच्छी रहती हैं और ये भी हमारी तीनों करेक्ट 3 फेज से होके हमारा मॉलिक्यूल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो इसके बाद हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करते हैं FDA को। हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हमारा ये जो ड्रग है ये चीज़ें हमने की हैं और वो एकदम बेस्ट है, तो हम अपनी ड्रग के लिए नई ड्रग न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। और किसको करते हैं? FDO को। FDA क्या करता है, उसको रिव्यू करेगा। आप सब जैसे ही सबमिट करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है सबमिशन। NDA जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद सबमिशन के बाद FDA इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद एक्शन लेगा, पूरे तरीके से रिव्यू करता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसके बाद जब FDA एक्शन लेता है तो उसमें क्या होता है, FDA एक्शन लेने के बाद में वो आपको अलाउ करेगा कि आप पोस्ट मार्केटिंग में अपनी मतलब मेडिसिन को आप मार्केट में ला सकते हैं। इसलिए इसका नाम है पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में मार्केट में अब आप लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे आपकी शुरू होती है फेज 4 क्लिनिकल स्टडीज। यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग में क्लिनिकल ट्रायल में फेजेस थी वो आपकी 3 फेज होती हैं, और जबकि यहाँ पे आप देखते हैं पोस्ट मार्केटिंग में 4th फेज आपकी क्लिनिकल स्टडी की स्टार्ट होती है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं मेडिसिन की, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होती है, ADR देखा जाता है कि किस उस मेडिसिन का लोगों पर क्या इफेक्ट है, उसके साइड इफेक्ट कितने हैं, उसका ADR कितना है, डिफेक्ट रिपोर्टिंग कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर उसका इफेक्टिवनेस में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये भी डिफेक्ट रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, और फिर लास्ट में उसका एक्सटेंशन मिल जाता है कि ठीक है आप अपने मार्केट में मेडिसिन को ला सकते हैं। ओके, अब हम ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी ये अपना फ्लो चार्ट देखा है पूरा, इसके सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि हमें लिखना भी होता है एग्जाम में। तो डिस्कवरी में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि डिस्कवरी में हमारे ये पॉइंट्स होते हैं कि डिस्कवरी का मतलब है कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन डिजीज। सबसे पहले हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मीन्स अपनी जो डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके पास कोई डिजीज ही नहीं होगी, कोई एम ही नहीं होगा, तो आप ड्रग बनाएंगे ही क्यों? तो ये आपका सबसे पहले है कि डिजीज को आइडेंटिफाई करना, मतलब टारगेट आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आप ड्रग कैंडिडेट्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एकेडमिक स्टडी करेंगे, फार्मास्यूटिकल भी रिसर्च लैब में आप उसे बना सकते हैं, उसकी स्टडी करेंगे एंड टेस्टेड फॉर देयर इंट्रैक्शन विद ड्रग टारगेट। और सबसे पहले तो हमारा पॉइंट यही है कि हमारा जो ड्रग हम बना रहे हैं वो हमारी डिजीज मतलब हमारी जो बॉडी है, डिजीज आपकी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के जो अंदर रिसेप्टर है, सेल है, उस पर वो प्रॉपर बाइंड हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपर इंट्रेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ड्रग डिस्कवरी में कि सबसे पहले हम टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम ड्रग को टारगेट करेंगे या ड्रग को इंट्रैक्ट कराएंगे अपने उस रिसेप्टर के साथ बॉडी में। फिर सेकेंड है आपका आपका प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन। प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या है, इसकी डिटेल में अगर हम देखें तो ये है आपका कैरेक्टराइजेशन एनालिटिकल मेथड्स, मतलब एनालाइज करेंगे आप बहुत सारे मेथड से कि उस जो आपने ड्रग मॉलिक्यूल सर्च किया है उसका मॉलिक्यूल का साइज क्या है, शेप क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, बॉडी में देने के बाद बायो अवेलेबिलिटी क्या है। तो अभी तो आप बॉडी में चेक नहीं करेंगे, तो आप उसकी बाहर ही फ्लूड में चेक करेंगे, प्लाज्मा फ्लूड्स में, कि ये वो जो मेडिसिन है या ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है।
उसके बाद आपका आता है फॉर्मुलेशन डिलीवरी पैकेजिंग डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन डिलीवरी पैकेजिंग डेवलपमेंट में क्या है कि देखिए, डिवाइस ए फॉर्मुलेशन दैट इंश्योर द प्रॉपर ड्रग डिलीवरी। क्या है कि आप सबसे पहले फॉर्मुलेशन को डिवाइस करेंगे, फॉर्मुलेशन बनाएंगे, जो आपने अभी यहाँ अभी तक आपका ये एपीआई है पूरा, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, तो उसको आप फॉर्मुलेट करेंगे। दैट इंश्योर द प्रॉपर ड्रग डिलीवरी, ऐसे फॉर्मुलेशन बनाएंगे जो आपकी ड्रग को अच्छे से बॉडी में डिलीवर कर सके। पैरामीटर इन्वॉल्व विद स्टोरेज एंड शिपमेंट सच एज हीट, लाइट एंड टाइम। और ये जो सारे फैक्टर हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि हीट, लाइट और टाइम, कितने टाइम के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, लाइट का उस पर क्या इफेक्ट होता है, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, काफी टाइम में रखने के बाद क्या उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है, तो स्टराइल भी हम चीजें चेक करेंगे कि वो स्टराइल है या नहीं है, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए भी चेक करेंगे, ओवरऑल हम देखेंगे कि वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग डिस्पोजिशन, जिसमें हमने देखा था एडीएमई। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें ये पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज हेल्प्स टू डिटरमाइन एयूसी, मतलब एरिया अंडर द कर्व। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, कि सपोज ये हमारा कोई कर्व है, मेडिसिन को देने के बाद जो हमें एक्स और वाई पे कर्व मिलता है उसे हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। उससे हम पता चलता है कि हमारी बायोएबिलिटी कितनी है और कितने टाइम में हमारी मेडिसिन मैक्सिमम कंसेंट्रेशन को मिलती है, तो उसे सी मैक्स कहते हैं हम। टी मैक्स और सी मैक्स का भी हमें एयूसी से ही पता चलता है। नेक्स्ट है आपका कि प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड आईएनडी एप्लीकेशन। तो इस पॉइंट को और हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग चेक द बायो एक्टिविटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ द ड्रग। प्री क्लिनिकल स्टडीज हो गई है, देखिए आपका पूरा फॉर्मुलेशन भी हो गई है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज भी आपने देख ली है, एयूसी, सीमैक्स, टीमैक्स सब देख लिया है। अब इसके बाद आप चेक करेंगे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, मतलब इसमें आपकी जो स्टडी है वो एनिमल के ऊपर होगी, जिसमें आप देखेंगे बायो एक्टिविटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी। सेफ्टी एंड इफिकेसी तो आपका बेसिक पैरामीटर है, आप कोई भी मेडिसिन या ड्रग को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको सेफ्टी और इफिकेसी को हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी ड्रग फेल टू पास प्री क्लिनिकल एग्जाम। इस वाले स्टेप में आने के बाद सपोज आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन वो सारे मॉलिक्यूल आपके ड्रग के रूप में नहीं बदलते, आपकी एक बहुत अभी हमने पढ़ा कि जो ए हमारी कॉस्ट में हम पढ़ रहे थे कि 10,000 मॉलिक्यूल में से अप्रोक्सीमेट 1 मॉलिक्यूल निकल के आता है, तो यहाँ पर ये इस स्टेप में आके बहुत सारे मॉलिक्यूल फेल हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल ही हमारे आगे स्टेप्स के लिए जाते हैं। इसमें हम प्री क्लिनिकल में देखेंगे, एक्यूट स्टडीज में देखते हैं कि हमारे एक्यूट मतलब थोड़े थोड़े डोज देके हम देखेंगे एक्यूट में कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है और उसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी चेक करेंगे। फिर रिपीटेड डोज देंगे, पहले तो हम कुछ सिंगल डोजेस देंगे, फिर उसके बाद रिपीटेड डोज देंगे। अब उसके बाद रिपीटेड डोज देने के बाद में हम चेक करेंगे कि उससे हमारी कुछ डिजीज तो डेवलप नहीं हो रही है, एक्यूट, क्रॉनिक, कितने टाइम के अंदर डेवलप हो रही है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। फिर थर्ड देखेंगे हम जेनेटिक टॉक्सिसिटी, ऐसा तो नहीं है कि मेडिसिन को देने के बाद में आप वो आपके जीन के अंदर कुछ चेंजेस ला दे या कार्सिनोजेनिक हो वो आपके जीन्स के लिए, क्या वो जीन में टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, मतलब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दे रही है, तो ये सारी भी हम प्री क्लिनिकल में चेक करेंगे। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी भी वो क्रिएट कर सकती है, सपोज उस ड्रग को लेने के बाद में फर्टिलिटी में चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो ये सारे जो आपके पॉइंट हैं ये थे आपके ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के। उसके बाद में जो ये आपका पूरा पोर्शन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, द फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।